उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट शिक्षक की भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में पूरे अंक लाने वाले छात्रों को कम अंक देकर फेल कर दिया गया है। प्रशासन से आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी जाने पर छात्रों को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी गई। मामले को कोर्ट ले जाने की धमकी देने के बाद छात्रों को कॉपी देने का आश्वासन दिया गया है। छात्रों की मांग है कि ये परीक्षा निरस्त कर दी जाए और भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए। इस मामले में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर काफी बड़ा बवाल बनते जा रहा है। करीबन 68,500 भर्तियां होनी हैं क्योंकि यूपी में टीचरों की कमी है। उसी को लेकर यूपी सरकार ने एक परीक्षा रखी थी ताकि असिस्टेंट टीचर जो हैं उन्हें हायर किया जा सके, उनको सेलेक्ट किया जा सके। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया पिछले महीने तो ये साफ हो गया कि वाकई ही कुछ काफ़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, शायद धांधली भी है। और यही वहाँ के जो टीचर जो हैं जो इस पद के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका भी यही कहना है। पूरी तरीके से धांधली हुई है, इसमें ऐसी धांधली हुई है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जो लड़का 122 नंबर पा रहा था उसे 22 नंबर दिया गया है, जिसके 93 नंबर थे उसको 63 नंबर दिए गए हैं, और बहुत से ऐसे भर्ती हैं जिनको फेल कर दिया गया है 0 और 1 नंबर देकर। आप देख सकते हैं हमारी कार्बन कॉपी है जिसमें जोड़ने पर हमारे 93 नंबर हो रहे थे और जब रिजल्ट घोषित होता है तो हमें 63 नंबर दिया जाता है। पूरी तरीके से अनियमितता बरती गई है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की स्कैन कॉपी दिखाई जाए, जल्द से जल्द दिखाई जाए, और भर्ती प्रक्रिया जो इस समय चल रही है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। किसी की 57 नंबर बता दिए जा रहे हैं तो किसी की 40 बता दी जा रहे हैं, किसी की 20। 122 नंबर पाने वाले बच्चे को 22 नंबर दे दिया गया। आंसर शीट से हमने 105 मिलाया उसको 5 दे दिया गया। यहाँ तक कि 0 और 1 नंबर भी बच्चों को दे दिए गए हैं। तो हम लोगों ने कहा हमारी स्कैन कॉपी हमें चाहिए, तो ये लोग बोलते हैं कि कौन सी स्कैन कॉपी, स्कैन कॉपी का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ के रजिस्ट्रार बोलते हैं कि हमने ये विज्ञप्ति निकाली ही नहीं है। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि हम लोग हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे स्कैन कॉपी के लिए डीडी जमा करवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप लोग जो एप्लीकेशन दे दिए हैं उसको कल से स्कैन कॉपी दी जाएगी, ईमेल करेंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी स्कैन कॉपी आप हमें जल्दी से जल्दी हमें आप दीजिए, तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इतनी फास्ट ये भर्ती क्यों कर रही है, क्यों हम इतने बड़े मुद्दे को वो संज्ञान में नहीं ले रही है, दरकिनार करके इस भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। इस इन इन कारणों से कितने बच्चे डिप्रेस्ड हैं इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 28 अगस्त तक यानी कुछ ही दिन में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है, जो भी नियुक्तियां करनी है वो हो जाएंगी। जो भी जिन लोगों ने भी परीक्षा दी थी उनका कहना कि उनके पास अपना कार्बन कॉपी है, उनके पास एग्ज़ाम का जो आंसर शीट होता है, और अगर कोई भी उसको देखे तो ये साफ जाहिर सी बात है कि उनको कितने नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उतने नंबर उनको नहीं मिले। और उनका कहना है कि अगर ये जो है पूरी इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी तब उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा, बल्कि उनको अदालत जाना होगा और वो अपना विरोध जो है जारी रखेंगे। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।